नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये है फ्रॉम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एसिड बेस और सॉल्ट के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड में सबसे पहला पॉइंट है टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर, सोर मीन खट्टा। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। और दूसरे साइड अगर बेस देखा जाए तो बेस का टेस्ट होता है बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। तो ये सबसे पहला पॉइंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही टफ है, जिसके देखकर आपका सर चकरा जाएगा, सर घूमने लग जाएगा। तो इसे याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा शायद, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। फर्स्ट पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है कि एसिड का टेस्ट सोर होता है और बेस का टेस्ट बिटर। एसिड का एग्जांपल लेंगे। एसिड में लाइक लेमन्स कह सकते हैं या फिर लेमन जूस। तो इन सारी चीज़ों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। नाउ बात करेंगे बेस की। तो बेस का एग्जांपल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आई थिंक आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, जिसका यूज़ खाना बनाने में किया जाता है, जैसे कि केक में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ये है केक, हैप्पी बर्थडे वाला केक, जिसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है। एसिड का सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट है एसिड कैन चेंज द कलर ऑफ सर्टेन डाइज। कुछ डाइज हैं जिनके कलर को एसिड चेंज कर सकता है। इनमें एबिलिटी होती है उनको चेंज करने की, कलर को चेंज करने की। और बेस के मामले में सेम ऐसा ही है, बेस भी सर्टेन डाइज के कलर्स को चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज एसिड दिखने में कैसे होते हैं? सॉलिड या फिर स्टिकी। और बेस दिखने में कैसे होते हैं? सोपी, स्लिपरी, और कह सकते हैं लाइक सोप लाइक इनका फीचर होता है। जैसे सोप को हाथ में पकड़ने से वो स्लिपरी होता है, वैसा ही बेस भी होता है। तो एसिड सॉलिड होते हैं, बेस सोपी या फिर स्लिपरी, सोप की तरह होते हैं। ये इनकी एक पहचान है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ। एंड फोर्थ वन इज एसिड स्मेल कैन बर्न नोज। और अगर बेस की बात की जाए तो यूजुअली नन। जो एसिड होता है हमारी नोज को बर्न कर सकता है जब हम इसकी स्मेल लेते हैं। बर्न मीन्स जलना, मीन्स कि ऐसी फीलिंग आ सकती है जैसे हमारा नोज बर्न हो रहा हो, इतना सॉलिड होता है एसिड। और जहाँ बेस की बात करें तो बेस में यूजुअली स्मेल नहीं होती। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड लिटमस। और बेस में क्या होता है? रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू लिटमस। जो लिटमस होता है एक तरह का इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना समझ लेते हैं कि ये एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। इसे याद कैसे रखना है? जस्ट वेरी सिंपल है, आप एक चीज़ याद रख लो, एसिड या बेस दोनों में से एक चीज़ याद रख लो कि कौन सा किस में चेंज कर रहा है, कौन से कलर को किस में चेंज कर रहा है। अब जैसे आपने एसिड का याद रख लिया कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो बेस का खुद ब खुद आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बेस बिल्कुल इसका उल्टा है, वो रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट। एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेस। एंड बेस की बात करें तो बेस कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दोनों में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जैसे किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, या इसके अलावा
रिएक्टिविटी होती है उनकी रिएक्टिविटी को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करना मतलब न्यूट्रलाइज करना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देना या फिर उसकी रिएक्टिविटी को ख़त्म कर देना, रोक देना, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। तो एसिड में एबिलिटी होती है बेस को न्यूट्रलाइज करने की और बेस में एबिलिटी होती है एसिड को न्यूट्रलाइज करने की। अब बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट के, जो है कंडक्टिविटी का पॉइंट। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, इनमें करंट अपीयर हो सकता है। बेस का क्या है, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेम बात है, ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं और इनमें करंट अपीयर हो सकता है। तो ये पॉइंट एसिड और बेस का सेम है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसे कि हमने डिफरेंस में भी चेंज किया। तो जैसे आप किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में याद रख सकते हो, वैसे ही एसिड और बेस के कैरेक्टर के बारे में भी याद कर सकते हो। जैसे आप किसी पर्सन से मिले तो आपको उसके कुछ गुण अच्छे लगे और कुछ गुण बुरे लगे, तो आप उसको याद रख लेते हो। जैसे मैंने फर्स्ट इमोजी बनाया, उसमें आपने याद रखा कि वो तो बहुत मुंह बनाता था, हर बात में मुंह बना लेता था, मुंह टेढ़ा कर लेता था, कि वो तो हर बात को लेकर चिढ़ता था, ये आपने उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक याद रखा। फिर आपने ये नोटिस किया कि वो तो हर बात पे गुस्सा करता था, तो आपने उसका ये कैरेक्टर भी याद रखा। तो इस तरह से जैसे किसी आप पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हो, वैसे ही एसिड बेस और सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक याद करने भी बहुत ही आसान है। तो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल्स एंड इट गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के साथ ये H2 गैस भी बनाते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और जब प्रोडक्ट देंगे तो प्रोडक्ट के साथ ये H2 गैस भी बनाएंगे। तो बेस का क्या है, ये बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, और अगर मेटल के साथ रिएक्शन नहीं हुई तो ये H2 गैस भी नहीं बना पाएंगे। तो जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन कर रहे थे, उस तरह से बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनाएंगे। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते तो किसके साथ करेंगे? तो मेटल कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, इट डजंट रिएक्ट विद मेटल्स, इट कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। इसी के साथ एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं सॉल्ट की तरफ एंड सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम अक्सर अपने घर में आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करते हैं खाने में, तो वो सॉल्ट आपने देखा ही होगा कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, बहुत ही बारीक टुकड़ों में, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टल से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सॉल्ट्स मे बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। जैसे कि आप सबको पता है ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। अगर ये ट्रांसपेरेंट जैसे मीडियम है, अगर एक साइड पे हमने कोई चीज़ रखी है तो वो दूसरी साइड से भी दिख जाएगा अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट हो। ओपेक में क्या होता है, अगर एक साइड से कोई चीज़ रखी हो, बीच में ओपेक चीज़ रखी हो, तो दूसरी साइड से वो चीज़ नहीं दिख सकती। तो आपको ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक का मतलब बहुत अच्छे से पता है। तो सॉल्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। जैसे कि हमने किसी कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर डाल लिया, अब इसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट। अब सॉल्ट डालने के बाद इसे स्टर कर देना है किसी चम्मच से या किसी चीज़ से, इसको स्टर करने के बाद अच्छे से मिला देना है, इसको घुला देना है। तो घुलने के बाद ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन। अंदर हमने पानी डाला था, पानी में सॉल्ट डाला एंड इसको घुला दिया अच्छे से, और घुलने के बाद क्या बन गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल मतलब घुलनशील, जो घुल सकता है, घुला हुआ। तो वाटर में सॉल्ट हमेशा सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने ऊपर बनाया था, पानी को सॉल्ट को पानी में डाला, सॉल्यूशन जैसे बनाया, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास करवाई जाए
पास करवाई जाए, करंट को इनमें से पास करवाया जाए तो ये अपने अंदर करंट अपीयर कर सकते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो ये करंट अपीयर कर सकते हैं, इनमें करंट आ सकता है। लेकिन इन मोल्टन स्टेट कंडीशन क्या है कि इसका स्टेट जो है वो पिघला हुआ होना चाहिए। मतलब मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ, तो ये ना तो सॉलिड में होना चाहिए ना ही ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ये हमेशा मोल्टन स्टेट में होना चाहिए यानी कि पिघले हुए स्टेट में। ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया, आपको क्या लगता है ये सिर्फ लिक्विड हो सकता है? नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है अगर हम इसको कूल करें। अगर हीट करें तो ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसके वेपर्स बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में से पास नहीं करेगी, इन दोनों में से करंट अपीयर नहीं होगा। अपीयर कहाँ पे होगा? मोल्टन स्टेट में। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नेचुरल सॉल्ट्स आर ओडोरलेस। ओडोरलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, ना अच्छी स्मेल होती है ना बुरी स्मेल होती है, ना उनमें से स्मेल आती है ना उनमें से फ्रेग्रेंस आती है, तो ये ओडोरलेस होता है। टेस्ट की अगर बात करें, बेसिक टेस्ट 5 तरह के होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, स्वीट, मीठा, सोर, खट्टा, बिटर, कड़वा और सॉल्टी मीन्स नमकीन, और एक लास्ट वाला है उसे कहते हैं यूमामी। तो स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी एंड यूमामी। यूमामी जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम जापानीज लैंग्वेज, जिसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट कुछ मशरूम की तरह होता है या फिर चिकन की तरह या मीट की तरह। सॉल्टी टेस्ट जो होता है वो नमकीन होता है, जो अक्सर हम सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका टेस्ट होता है। तो सॉल्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे हमारे घर पर है सिर्फ वैसे नहीं, और भी कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं, केमिकली सॉल्ट्स होते हैं, तो इनका टेस्ट अलग अलग होता है। किसी का टेस्ट स्वीट भी हो सकता है, मीठा हो सकता है, किसी का टेस्ट बिटर हो सकता है, कड़वा हो सकता है, किसी का टेस्ट सोर हो सकता है, खट्टा हो सकता है, किसी का टेस्ट सॉल्टी हो सकता है, नमकीन हो सकता है, या फिर किसी का टेस्ट यूमामी यानी कि चिकन की तरह, मीट की तरह या फिर मशरूम की तरह हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक भी हमने किया और एसिड और बेस के डिफरेंस भी हमने पढ़ लिए। अगर आप सिंगल सिंगल करके लिखोगे एसिड के पॉइंट्स तो वो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, अगर सिंगल सिंगल करके बेस के पॉइंट लिखोगे जो मैंने अभी बताया डिफरेंस में, तो वो बेस का कैरेक्टर हो जाएगा, और अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो वो एसिड और बेस के बिटवीन डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन डिफरेंस में आ जाए तो इसी तरह से आप बीच में एक सिंगल लाइन लगा कर दोनों के डिफरेंस को बता सकते हो और दोनों की कंपैरिजन कर सकते हो। आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने ऊपर एसिड लिखा और नीचे बेस लिखा और दोनों का डिफरेंस बताया, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हो पॉइंट बनाकर, अगर डिफरेंस आता है क्वेश्चन में तो आपने कभी भी एसिड और बेस की हेडिंग नहीं बनानी है, आपने एसिड और बेस दोनों साइड लिखकर लेफ्ट एंड राइट बीच में एक सेंटर में लाइन लगानी है और फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करना है और दोनों को कंपेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओह नो, सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। ओप्स, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाएं।